नमस्कार, स्वागत नमस्कार है सभी आपका आंगनबाड़ी ऑल बहनों इंडिया भाइयों आंगनबाड़ी का खबर स्वागत है चैनल में। आपके मैं अपने नाम है चैनल नवदीप में ऑल जैन। इंडिया आंगनबाड़ी सुबह खबर के 6 बजे में। की नाम है खबरें नवदीप जान जैन, लेते शाम हैं। की 6 बजे देखिए, वाली एक खबर आप लैटिन देख में रहे जारी हैं हुआ है बाल और विकास ये विभाग अपडेट हमें जो है सुबह ही दे उत्तर देना प्रदेश चाहिए था, लखनऊ लेकिन द्वारा खैर देर आए इस दुरुस्त लैटिन में आए। जो महत्वपूर्ण और कोई जानकारी निकल कर प्रतिक्रिया आ है रही तो है उसको कमेंट हम बॉक्स में जानने जरूर वाले रखिए। हैं। देखिए, मानव सबसे पहले संसाधन तो आपको गौतम बता दें, हुसैन सुबह सचिव छह ने बजे उस जारी दोपहर किया को गया 12 बजे बाल शाम को विकास 6 बजे विभाग की तीन उत्तर टाइम प्रदेश आपको लखनऊ खबरें के दी जा संबंध रही में। हैं। देखिए, आपको इसमें क्या खबरें लिखा है कैसी वो लग हम रही हैं जानते कमेंट हैं। बॉक्स में शीर्ष प्रतिक्रिया लेखक जरूर जो रखते है चैनल को रेखा सब्सक्राइब शीर्षक करके के बेल दिख को रहे दबाएं। अनुदान संख्या और 49/23 सबसे बड़ी बात ये, 22 उत्तर को प्रदेश 35 में सामाजिक एक सुरक्षा तारीख यानी कल्याण कि एक सामाजिक आंगनबाड़ी कल्याण सेंटर के आदि समय में बदलाव योजनाओं कर पर दिया जो है गया है। आपको बता दें, राज्य और का आज से हिस्सा जो है आंगनबाड़ी केंद्र नेशनल 10 बजे न्यूट्रिशन से मिशन खोले कार्यक्रम के गए मानक मद और जो 2 बजे तक 42 चल अन्य रहे हैं। व्यय मात्र में जो 4 घंटे है विद्यालय धनराशि खोले जा को रहे हैं मंजूरी दे दी गई और है। 4 घंटे ही और इसमें शिक्षा देखिए काल लिखा का हुआ है कि जो है इस तरीके आंगनबाड़ी की कर्मियों का छुट्टी समय बस रहता है। 2022-23 में पहले एक शासन विद्यालय आदेश 8 बजे संख्या से दी खुल गई गई है थी 20 जुलाई 2022 और द्वारा 12 अनुदान बजे तक संख्या खुलते 49 थे, के मैक्सिमम लेखा टाइम शीर्षक 12 बजे तक रहता सामाजिक था। सुरक्षा तथा अब कल्याण चूंकि का जिक्र किया गया अक्टूबर है और माह इसकी शुरुआत 28 हो चुकी है हजार और एक माना सौ जाता छियासठ है दशमलव कि दो एक लाख के सर्दियों की साथ शुरुआत भी अक्टूबर केंद्र का से होती हिस्सा है, जो हालांकि उनतालीस असल में अठासी सर्दी तो दशमलव छह चाकर चार लाख जनवरी की फरवरी में देखने धनराशि को जो है मिलती है, एस एन ए खाते जनवरी में में अंतिम स्थानांतरित कर मुष्टि दिसंबर के उपभोग बाद किए से। जाने की वित्तीय लेकिन स्वीकृति कर दी गई है। अक्टूबर से तो जो भाई समय देखिए, जो बदलाव हो योजनाएं जाता होती है, हैं योजनाओं में जैसा कि पैसा आपको खर्च मालूम है, होता है, प्राइमरी उसको विद्यालयों का लेकर जो निर्धारण बदल राशि जारी चुका होती है। है उसको स्वीकृति इसी दे दी तरीके गई से है जो है और बाकी आंगनबाड़ी जो केंद्रों नियम का है भी वही उत्तर नियम है प्रदेश कि में राशि जो समय इसके बदल लिए चुका जारी है। हुई है अब वो सुबह राशि 10 बजे उसी से में 2 बजे योजना का ही खर्च की समय जाएगी और कहीं हुआ खर्च है नहीं और की आज से जाएगी, सभी ऐसा विद्यालय जानकारी 10 बजे यहाँ से पर 2 बजे लिखी तक के हुई बीच है। मावी प्रसाद खोले गौतम जा रहे हुसैन हैं। सचिव बाकी ने आपकी पीओ से प्रतिक्रिया लेटर क्या है, जारी आप किया गया मुझे है तो पुरानी बस जनरेटर इतनी पर विद्यालय जानकारी थी खोला योजनाओं के या लिए फिर जो आपको जो है बता दें नए, पैसा था वो जो जारी समय हो गया बदलाव है। हुआ है हर साल लेकिन की तरह सरकार का पैसा 10 बजे कब से जारी दो होगा बजे इसके के बारे में बीच अब तक इस क्लियर समय नहीं पर हुआ है। खोला है। खैर, कमेंट अब बॉक्स में जान प्रतिक्रिया लेते दी है। दूसरी खबर। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं देखिए, कर रहे ये कभी खबर निजी आपको सचिव बता की रहे हैं, खबरें बिहार समय पर से आपको खबर आ रही है। स्टेटस में हाजीपुर मिलती से रहेंगी। यहाँ पर जो है शाला चलिए अब पंचायत दूसरी के खबर जान लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 98 पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जो है मेला लगाया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पोषण माह 30 सितंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार 2 अक्टूबर यानी कि आज जो है आज संडे को ही पोषण माह मनाए जाने की बात कही गई, क्योंकि आपको मालूम है आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी होने हैं। तो कई जगहों पर जो है पोषण मेले का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सभी जगह पोषण मेले में जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की गई हैं। बिहार के हाजीपुर से ही ये भी खबर निकल कर आई जो हमने जानी, और भी खबरें आ रही उनको भी जानते हैं। और देखिए भाई, एक खबर और आ रही है बरेली से। देखिए किस तरीके से आंगनबाड़ी कर्मियों ने प्रदर्शन किया है और वही मांगे कर्मचारी राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। और देखिए, झारखंड का मामला बड़ा ही जो है सुर्खियों में इस समय है। लगातार हम झारखंड से खबर बता रहे हैं, लेकिन फिर देखिए एक खबर आ रही, झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका मानदेय बढ़ाने से सरकार के फैसले से काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। जमशेदपुर की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जो है पोटका विधायक संजीव सरदार की आवास पर पहुंचकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि इस सरकार ने मानदेय बढ़ाया है जिससे जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें, झारखंड में इतनी ज़्यादा खुशी देखी जा रही है कि किसी भी अन्य राज्य में इतनी ज़्यादा मानदेय बढ़ने पर खुशी नहीं होती है, लेकिन झारखंड में बहुत अधिक खुशी देखी जा रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा है कि सरकार ने हमारा मानदेय बढ़ाया जिससे कि जो है आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी खुश हैं। सरकार ने बरसों पुरानी हमारी मांग को पूरा कर लिया है और इसके लिए विधायक को मैं सदर जो है सरदार के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी के साथ ही जो है पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर लाठी मारने का भी काम किया गया था। अगर वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार ने मानदेय बढ़ाकर झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं का मान सम्मान दिया, यानी कि तारीफ के पुलिंदे यहाँ पर बांधे गए हैं और जो पूर्व में सरकार रही उसका विरोध भी यहाँ पर किया गया है। क्या झारखंड से खबर देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए क्या वाकई में आप लोग संतुष्ट हो गए हैं सरकार ने जो मानदेय वृद्धि की है उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है मानदेय वृद्धि अल्प होती है, कम होती है, उससे संतुष्ट नहीं होते। लेकिन झारखंड में मैं देख रहा हूँ लगातार यूनियन संतुष्ट नजर आ रहा है, लगता है उसकी यानी कि आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों की सभी मांगें झारखंड में पूरी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा खुश इसीलिए नजर आ रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे लगातार खबरें आपको दी जा रही हैं। अब देखिए, जो हम खबर आपको बता रहे हैं ये खबर जो है निश्चित तौर पर मराठी भाषा में लिखी गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करें और हम भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे। जो लोग महाराष्ट्र से हमारे भाई बहन देख रहे होंगे खबर, उनको जो है निश्चित तौर पर पढ़ने में समझ में आ जाएगी। दरअसल देखिए, कुल मिलाकर इस खबर में यही निकल कर आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो आंगनबाड़ी कर्मी है वो भी समस्याओं से ग्रसित है। महाराष्ट्र में भी उनकी जो है मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। यवतमाल यहाँ पर है एक जगह जिले में जो है आंगनबाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों और सहायक महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यवतमाल में मोर्चा निकालकर सरकार का ध्यान खींचा है। सरकार जो है यानी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों और सहायिकाओं महिलाओं को जो है सरकारी कर्मचारी मानदेय उचित दिया नहीं जा रहा, इसका आरोप लगाया है। सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई है। जिक्र किया गया है कि पेंशन की कोई गारंटी नहीं है सरकार दे रही है और जिससे कि आंगनबाड़ी कर्मियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
थोड़ी इसमें लिखावट जो है खबर दोस्तों मराठी है, इस कारण से मराठी भाषा में लिखी हुई है, इस कारण से बहुत सारा आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। लेकिन देखिए समस्या जब सेम टू सेम है तो निश्चित तौर पर समझना भी आपको चाहिए कि समस्या जब उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी जगह एक ही जैसे हालात हैं। देखिए यहाँ पर भी सरकार मानधन और जो पेंशन पर मुद्दे पर गंभीर नहीं है, इसको लेकर जो है काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से नाराज़गी और है कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है यहाँ पर मराठी भाषा में किए जाने की मांग कर रही हैं आंगनवाड़ी कर्मी। आपको बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं कि मराठी भाषा को ऐड यानी जोड़ा जाए पोषण ट्रैकर में, लेकिन सभी सुपरवाइजर के जरिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर के लिए जो है बने अंग्रेजी ऐप पर जानकारी भरने की जो है सख्ती बढ़ती जा रही है। इससे आंगनवाड़ी कर्मियों में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर जो है इन्होंने मोर्चा निकाला है। बड़े स्तर पर जो है महाराष्ट्र में भी जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर गुजरात हो महाराष्ट्र हो, अब देखिए आप लोग किस तरीके से जो है विभिन्न जनपदों से विरोध और आक्रोश प्रदर्शन की खबरें हमें निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हमने विरोध प्रदर्शन देखा, महाराष्ट्र से भी खबर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य राज्यों में भी स्थिति जो है अब आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है मुद्दा शांत नहीं रहने वाला है। विभिन्न जनपदों से विभिन्न राज्यों से खबरें निकल कर आ रही हैं। देखते हैं बहुत ही जल्दी आपको जो है मोदी सरकार क्या ऐलान करती है। जैसी खबरें चल रही हैं जब तक हमारे पास सटीक और पुख्ता जानकारी नहीं आएगी तब तक हम आपको कोई भी खबर या जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब तक हमारे पास आदेश नहीं आता तब तक जो हम कोई भी ऐलान या कुछ भी जो है आपको जानकारी नहीं दे रहे, बस हम जो है ऑफिशियली आदेश का इंतजार कर रहे हैं। देखिए जाते जाते एक और जानकारी आपको दे दें, हालांकि हमने कल शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि यूपी SSC PET ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो भी भाई बहन देखिए PET का फॉर्म भरे हुए थे वो अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग UP SSC ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। UP SSC PET 2022 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट अपने जो है एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट जो है UP SSC.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें देखिए ये परीक्षा PET की जो है 15 और 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित हो रही है। तो आयोग जो है दूसरी बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें 2021 में यह परीक्षा हुई थी और अब 2022 में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में नहीं होगी, यानी कि आपको OMR सीट पर गोले भरने होंगे। ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी, चूँकि 2021 में भी ये ऑफलाइन मोड में हुई थी और अब 2022 में भी ऑफलाइन मोड में परीक्षा हो रही है। और लाखों की संख्या में 38 से 40 लाख लोग जो है इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो है आप लोगों ने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए, किसी प्रकार दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी के साथ ही टाइमिंग हमारी कैसी लगी आपको समय कमेंट में बताइए। सुबह 6 बजे आपको एक खबर मिलेगी, दोपहर में आपको 12 बजे एक खबर मिलेगी और इसी के साथ ही शाम को 6 बजे एक खबर मिलेगी। तो इन तीनों टाइम पर जो चैनल को विजिट करते रहिए ताकि आपको जो है सूचना मिल जाए, अगर कोई ताज़ा खबर आई होगी तो चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों टाइम पर याद रखिए, सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे। और इसी दौरान हम लाइव भी आएंगे, ठीक है, 12 बजे भी लाइव आ सकते हैं या फिर शाम को 6 बजे भी लाइव आ सकते हैं। अगर व्यस्तता रही तो शाम को 6 बजे लाइव आएंगे, फ्री रहा हूँ, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो 12 बजे आपसे दोस्तों लाइव मिलूँगा। ठीक है, जैसा कि अपना टाइम डिसाइड है। लेकिन खबरों का सिलसिला, खबरों का टाइम याद रखिए, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और दोपहर में 12 बजे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।